YouTube slays every time. Hello, welcome to AgriTime, learn agriculture with me. Friends, today's topic seeds पर है, ठीक है? तो हमेशा की तरह हम प्रूफ के साथ आपको जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो बताते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर खोल लेना, ओपन मतलब अपने मोबाइल में, और सर्च करना है यहाँ पे आपको SHUATS, ठीक है? सीड्स जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट साइट खुलेगी, ठीक है? कौन सा? www.shiats.edu.in करके, ठीक है? तो फर्स्ट साइट में आपको क्लिक करना है. तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी. जैसे ही हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो यहाँ पे शो होगा. एडमिशन ओपन 2020 न्यू करके यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, पॉपअप शो हो रहा है. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए जो एडमिशन है उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ओपन हो गया है. यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, ये सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म करके एक ऑप्शन दिया है, तो इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है और जो एडमिशन 2020 है ये यहाँ पे ओपन है, ठीक है. और यहाँ से आप अपना सेलेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट प्रोग्राम करोगे और यहाँ पे यूजी के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, यूजी के लिए, यहाँ पे पीजी के लिए, बीईडी, एमईडी, ये सभी के लिए है एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन हम यूजी के लिए बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में जाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए. तो आपको सबसे पहले यूजी पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है. तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऐसे करके आ रहा है. तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर बायो मैथ्स वाले हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है और आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वालों के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है. तो मैं आपको जनरली जो इन्फॉर्मेशन है वो बताने वाला था आपको एप्लीकेशन के बारे में, जो कि आउट हो चुका है. तो आप यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो. दोस्तों ये 18 तारीख को ख़त्म होगा मई में, और काफ़ी लंबा डेट है ये. दोस्तों ये शुरू कब हुआ था, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये हुआ था दोस्तों 21 जनवरी से, यानी कि 21 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है. 21 जनवरी से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भर सकते थे, ठीक है, और चालू हो गया है, अभी भी चल भी रहा है. तो अभी भी आप जो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिलअप कर पाओगे, ठीक है. और इसका जो लास्ट डेट है मैंने बताया 18 मई है, 18 मई 2020 तक. तो आप बहुत ही लंबा समय है, आप इसी बीच में ही अपना जो फॉर्म है उसे भर लीजिएगा, ठीक है. और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ कि इसमें एज लिमिट क्या होना चाहिए. तो आपको 16 ईयर होना चाहिए, ठीक है, शुरुआती में 16 ईयर आपका एज होना चाहिए, ठीक है. और इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है फ्रेंड्स वो अलग अलग हैं. जैसे बायो वाले हो आप तो बायो स्ट्रीम से, और एग्रीकल्चर वाले हो तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स स्ट्रीम से आपको दिलाना पड़ेगा. जनरल ओबीसी के लिए जो 12th का मार्क्स है वो 45 है, और एससी एसटी के लिए है 40, ठीक है. तो ये जनरल इंफॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको बताई. और एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे आप अदर स्टेट के हो, जैसे कि सीजी के हो, ठीक है, एमपी के हो या कोई भी स्टेट के हो, तो क्या ये एग्ज़ाम आप दिला सकते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया के कोई भी स्टेट का रहे, मतलब स्टूडेंट, वो ये जो एग्ज़ाम है उसको दिला सकता है, ठीक है. पूरे ऑल इंडिया में ये जो एग्ज़ाम है BHU की तरह ही ये एग्ज़ाम होता है, तो आप इजीली इसे दिला सकते हो. अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हो या मध्य प्रदेश बिलोंग से करते हो, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से, तो आपको 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, सॉरी, CGPAT के लिए आपको 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे. अगर CG में हो तो, MP में हो तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है. जैसे CG में हो तो आपको CGPAT करने को मिल जाएगा, BHU मिल जाएगा, SER मिल जाएगा, MPPAT मिल जाएगा, और आपका SH जो मैंने सीट्स बताया ये मिल जाएगा. तो इस तरीके से आपको 5 एग्ज़ाम्स दिलाने को मिल जाएगा. तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो
किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। अगर MPPAT अगर मतलब मध्य प्रदेश से हो आप तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये जनरली इंफॉर्मेशंस थी सीट्स एग्ज़ाम के बारे में, और इस रिलेटेड हम जल्दी ही आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे आपको एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। तो वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी इंफॉर्मेशन, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस ला पाएँ। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।